गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए एक नया पाठ लेकर आए हैं जो आपका पाठ नंबर 11वां है और जिसका नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। क्या है? कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखिए इधर, जो आपका पाठ का नाम है वो है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य को हम बोलते हैं वर्क, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी एंड शक्ति को बोलते हैं पावर। ये आपका इस चैप्टर का नाम है। तो देखिए इधर, हमने पीछे वाला पार्ट भौतिक विज्ञान में जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें विद्युत धारा वाला, उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। इसके बाद में हम आगे की ओर अगला पार्ट लेकर आपके लिए आए हैं। जैसे आपने पीछे वाले पार्ट को पढ़ा था उसी प्रकार से, उसी ढंग से आपको इस वाले पार्ट को पढ़ना है। बाकी ये पार्ट लगते तो कठिन हैं लेकिन हम कठिन नहीं लगने देंगे, बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से उदाहरण दे करके, समझा करके इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए। तो यहाँ कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी और पावर, अब देखिए इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है, इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है। और अब देखिए ये संबंध किस प्रकार से है, हम आपको ये समझाते हैं। पहले हम इसको समझाएंगे, उसके बाद में आपको लिखवाएंगे, अर्थात आपको बोर्ड पे करवाया जाएगा। जैसे कि देखिए, हम हैं या कोई और है या जितने भी आपके सजीव हैं, क्या हैं? सजीव और आपके निर्जीव हैं, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे सजीव निर्जीवों पर निर्भर हैं और निर्जीव सजीवों पर निर्भर हैं। जैसे हम यदि बताते हैं जो आपके सजीव हैं वो निर्जीवों पर किस प्रकार से निर्भर हैं, तो ये जो आपका संबंध है, जैसे कि कुछ आपकी निर्जीव अवस्था में पड़ी हुई वस्तुएं या अचेत अवस्था में पड़ा हुआ वस्तु या कोई सामान, वो क्या है? निर्जीव है, जो स्वयं गति नहीं कर सकता, जो स्वयं चल नहीं सकता, जो स्वयं प्रजनन नहीं कर सकता, जिसमें स्वयं गति पैदा नहीं हो सकती, स्वयं खाना नहीं खा सकता, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया नहीं हो सकती, तो वो सभी क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। अब यदि हम सजीवों की बात करते हैं, वो गति करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, वो श्वसन करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं, वो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और भी आपके कई ऐसे प्रकार हैं, वो भोजन करते हैं, तो ये सभी क्या हैं? आपके सजीव हैं। अब देखिए, ये हमने पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है और इस पार्ट में आपका कुछ हिस्सा आपने पिछली क्लास में भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको आगे की ओर, अर्थात हल्का इसको डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि ये आपका 5 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 5 अंक का। और जब ये आपका यहाँ पर 5 अंक का रखा गया है तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 5 है। अर्थात ये बोर्ड परीक्षा में कितने अंक का आता है? 5 अंक का आता है। 5 अंक के आपके इस पार्ट से आपके सवाल आते हैं और ये आपका इस पार्ट की
आज शुरुआत हमने की है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, तो खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और ये सभी क्या काम आते हैं? किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा एवं शक्ति का होना अति आवश्यक है। जैसे हम यदि कह देते हैं कि मुझे अपने घर से विद्यालय जाना है, कहाँ जाना है? घर से विद्यालय जाना है। तो यदि मुझे घर से विद्यालय जाना है तो हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, या हमें हमारी उसमें एनर्जी खर्च होगी, और जो एनर्जी खर्च होगा या आपकी शक्ति खर्च होगी या आपका पावर लॉस होगा, तो उसमें आपकी शक्ति का क्षरण होगा, अर्थात शक्ति आपकी कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब कार्य क्या है? जैसे यहाँ पर ये डस्टर रखा हुआ है, या यहाँ हम कोई वस्तु पटक देते हैं नीचे, जैसे ये आपका बोर्ड है, ये क्या आपका बोर्ड है? मुझे इस बोर्ड को यहाँ से कहीं दूसरी जगह उठा करके ले जाना है। तो इस बोर्ड को उठाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास में इतना क्षमता होना चाहिए, इतना ताकत होना चाहिए कि मैं इसके लोड को सहन कर सकता हूँ, इसके भार को सहन कर सकता हूँ। इसके बाद में इसको उठाने के लिए, इसको दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए कि हमें कितनी शक्ति हमारे पास में चाहिए कि जिससे हम इस बोर्ड को यहाँ से उठा करके वहाँ ले जा सकें। जैसे किसी वस्तु में धक्का देना, किसी वस्तु को उठाना, किसी वस्तु को फेंकना, किसी वस्तु को ले जाना, तो इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और शक्ति को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास में एक बक्सा है। क्या है? बक्सा है। किसका है ये बक्सा? लोहे का। अब मुझे यदि इस बक्से को यहाँ पर पहुँचाना है, ये इसकी एक नंबर कंडीशन है और ये इसका दो नंबर कंडीशन है। यदि मुझे ये बक्सा यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो इस बक्से को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए या तो हमें ये बक्सा उठाकर ले जाना पड़ेगा, या हमें इस बक्से में धक्का दे करके ले जाना पड़ेगा। और जब हम उसमें धक्का देते हैं, तो धक्के देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बल लगाना बोलते हैं, अर्थात उस पर फोर्स लगाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पर? फोर्स। उस पर धक्का लगाना, अर्थात उसको आगे की ओर खिसकाना या उसको पीछे की ओर खिसकाना, ये बाद की बात है, उसको आगे खिसका रहे हैं या पीछे खिसका रहे हैं, लेकिन इसको हमें बल लगाना पड़ेगा। और बल लगाने के बाद में ये बक्सा आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब जब ये बक्सा आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, जब ये बक्सा आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो इस बक्से को यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से इसके केंद्र से लेकर इसके केंद्र के मध्य में एक दूरी स्थापित की गई। और ये क्या होती है? दूरी। लेकिन हम यहाँ दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। अर्थात किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। और हम उसको लेकर किसकी सहायता से जाते हैं? बल की सहायता से। अर्थात हम उसको बल की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि बल क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि दैनिक गतिविधियों में, दैनिक गतिविधियों में, दैनिक गतिविधियों में, अब जो आपकी दैनिक गतिविधि कौन कौन सी होती हैं, जैसे खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, किसी वस्तु को खींचना, किसी में धक्का देना,
किसी वस्तु को उठाना, किसी को फेंकना, ये हमारे सभी क्या होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं। ठीक है, तो दैनिक गतिविधियों में प्रत्येक दिन कोई न कोई कार्य किया जाता है। अब देखिए कार्य कैसे करते हैं, जो निम्न है, जैसे खेलना, भागना, उछलना, दौड़ना, खाना खाना, जाना आना, फेंकना, खींचना आदि सभी कार्य के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं बेटा, कार्य के। देखिए हम खेलते हैं तो कोई कार्य करते हैं, भागते हैं तो कोई कार्य करते हैं, उछलते हैं तो कोई कार्य करते हैं, दौड़ते हैं तो कार्य करते हैं। अब इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। तो हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति कहाँ से आती है, खाना खाने से। कहाँ से आती है, खाना खाने से। अब हम लिखते हैं इन सभी कार्यों को करने के लिए, इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा अथवा शक्ति का होना अति आवश्यक है। इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति का होना अति आवश्यक है। बिना ऊर्जा बिना शक्ति के हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर में यदि ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो हम कैसे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उससे यदि हम उसको बुखार है कई दिनों से, 15 दिन 20 दिन से, या उसको कोई और जैसे बीमारी है, टाइफाइड है, या आपके कोई भी और बीमार है, ठीक है, जिससे आपके अनेक अनेक प्रकार की बीमारी होती है, जिससे हम चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, जब हम बीमारी के अंदर कुछ खाते ही नहीं हैं, अपने शरीर में एनर्जी ही नहीं देते हैं, तो हमें शक्ति मिलेगी कहाँ से, तो यदि आप किसी बीमार इंसान से कहोगे कि आ जाओ मेरे साथ भाग लो, मेरे साथ दौड़ कर लो, तो क्या वो आपके साथ भाग पाएगा, नहीं भागेगा, वो आपके पास साथ है, दौड़ भी नहीं कर पाएगा। और जब वो आपके साथ दौड़ नहीं कर पाएगा तो आप उससे क्या अनुभव कर सकते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति के अंदर ऊर्जा या शक्ति बहुत कम होती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति के अंदर ऊर्जा या शक्ति बहुत कम होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति या क्षमता अधिक होती है बजाय अस्वस्थ व्यक्ति के। ठीक है, अब यहाँ पर
कार्य से क्या करते हैं हम? कोई भी कार्य करते हैं, कार्य कौमा ऊर्जा एवं शक्ति तीनों में कुछ संबंध होते हैं, संबंध होते हैं। अब ये आप उतार लीजिए, इसके बाद में हम आपको आगे और बताएंगे, फिर हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है और शक्ति क्या होती है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि इन तीन पॉइंटों को उतार लें, इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसको याद कर सकते हो या आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो सभी विद्यार्थी इसको उतार लें, इसके बाद में हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और एक नया टॉपिक लेते हैं कार्य, फिर हम इनके मध्य में आपस में संबंध स्थापित करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लेते हैं कार्य, अब देखेंगे कार्य क्या होता है, ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कार्य, और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वर्क। अब जो आपका ये वर्क है या कार्य है, इसको हमें समझना है। अभी जो हमने आपको समझाया था कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, तथा उस बल के द्वारा उत्पन्न विस्थापन, विस्थापन क्या है, दूरी है बीच की, उत्पन्न विस्थापन के मध्य गुणनफल को कार्य कहते हैं, के मध्य गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो देखिए, बल का प्रयोग करके, यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले, बल का प्रयोग करके किसी ब्राह्म अवस्था वाली वस्तु में गति पैदा करते हैं, जिससे वह वस्तु कुछ दूरी पर खिसक जाती है, और जब वो वस्तु कुछ दूरी पर खिसक जाती है तो उस वस्तु में एक दूरी पैदा होती है, और जब उस वस्तु में एक दूरी पैदा होती है तो उस दूरी को हम यहाँ पर विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? विस्थापन। और किसी वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, या गुणनफल के बराबर होता है। जो इसका सूत्र है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को हम लिखते हैं W से, बल को लिखते हैं F से, और विस्थापन को लिखते हैं हम S से। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, W बराबर F गुणा S दिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा, ये आपकी कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हमने यहाँ से इधर से कोई बल लगाया, इसको हमने कह दिया F, और बल लगाने के बाद में ये वस्तु यहाँ से इधर खिसक गया, अर्थात ये वस्तु यहाँ आ गई। और जब ये वस्तु यहाँ आ गई तो ये वस्तु की पहली अवस्था है और ये वस्तु की दूसरी अवस्था है, और जब यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी ज्ञात की गई, इस दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। ये आपकी
वस्तु को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ भेजा गया तो उसमें क्या पैदा हो गया, ये विस्थापन पैदा हो गया, अर्थात ये दूरी पैदा हो गई, ठीक है। और जब ये यहाँ पर एक दूरी पैदा हो गई तो दूरी को हमने यहाँ पर एक नया नाम दिया है, विस्थापन। क्या नाम दिया है? विस्थापन। और जो नीचे ये जो जगह है, ये जगह कैसी है? समतल है। कैसी जगह है? ये समतल जगह, समतल सतह। अब जब ये समतल सतह है तो समतल सतह पर हम इसको खिसका करके ऐसे धक्का देते हैं, और धक्का देते हैं तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, और जो ये दूरी है इस दूरी को हमने विस्थापन कह दिया, और इसको हम किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लगाया गया बल तथा विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तब तो आपका क्या होता है, और दोनों अलग अलग दिशाओं में होते हैं तो इनमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने के लिए वस्तुपन के देखा गया है कि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग होती है, तो उसमें आपके निम्न घटक लिए जाते हैं। अब देखिए, वस्तु पर बल तथा विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तो इसके निम्न घटक होते हैं। इसके घटक क्या होते हैं? दो होते हैं। अब ये जो आपके घटक हैं वो घटक हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका समतल है, यहाँ आपका कोई वस्तु रखा हुआ है और ये वस्तु आपका इस प्रकार से रखा हुआ है, और जब ये आपका इस प्रकार से इधर जाएगा तो हम इसे बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं इसको? कॉस थीटा। अर्थात ये आपका एफ इधर जाएगा, और इसके बाद में जो इसमें एफ कॉस थीटा, और इसके सापेक्ष यहाँ से इसमें एक इस प्रकार से ऐसे एक बल लगेगा, और उस बल को हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। ये इसका ए कंडीशन है, और यहाँ पर ये वस्तु की बी कंडीशन है, ये इसकी बी अवस्था है। अब देखिए, यहाँ पर आपके कौन कौन से घटक हो गए? जब यहाँ पर हम इसके घटकों की बात करते हैं तो इसके मध्य में जो आपका ये वाला थीटा बन रहा है, ये वाला बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। और अर्थात ये यहाँ पर कॉस क्यों आया? क्योंकि क्षैतिज पर बनने वाला कोण हमेशा कॉस थीटा बोलते हैं, और इसके लंबवत पर जो मान आता है उसको हम साइन थीटा बोलते हैं, क्योंकि साइन 90 का मान एक होता है और कॉस 0 का मान एक होता है। कॉस 0 का मान एक होता है और साइन 90 का मान एक होता है, इसलिए यहाँ पर ये कॉस 0, जब थीटा का मान 0 रखेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? इसमें किया गया कार्य अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद में जब हम यहाँ पर इसका समीकरण पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि किसी वस्तु पर एफ बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एफ बल। तो यहाँ पर आपकी जो विस्थापन का जो घटक है, विस्थापन का घटक एफ कॉस थीटा कौन सा है? एफ कॉस थीटा। और इसकी जो दूरी है वो क्या है? एस है। दूरी है वो क्या है? एस है, ठीक है। ये सॉरी, बल का घटक है, व्यवस्थापन नहीं है। ये किसका घटक है? बल का घटक, बल का घटक। और विस्थापन आपका क्या है? विस्थापन आपका एस है। तो यहाँ पर कार्य कितना होगा? विस्थापन बराबर एस, इसलिए
कार्य बराबर एफ कॉस थीटा गुणा एस। ये आपका यहाँ पर इसमें कार्य का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, समझेंगे, इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। उतार लें इसको, इसका बस एक लाइन का समीकरण और है, थोड़ा इसमें नीचे जगह अभी नहीं है, इस कारण से हम इसको यहाँ पर नीचे नहीं लिख पाए। और यहाँ लिखते हैं तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये इसका हमें समीकरण नंबर दो प्राप्त हुआ है और ये समीकरण नंबर एक प्राप्त हुआ है। आप इन यहाँ तक इसको उतार लीजिए, एक बार हम इसको फिर दोबारा से समझाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। उतार लिया होगा आपने, देखिए ये तो हमने समझ ही लिया था, ठीक है। इसको देखते हैं, वस्तु आपकी एक यहाँ पर है, वस्तु नंबर दो आपकी यहाँ से यहाँ तक खिसक करके आई है, किसकी क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर बल लगाया है और ये एक नंबर से दो नंबर पर आया है और जिसमें जो दूरी प्राप्त की गई है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। वस्तु पर बल तथा विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है, मतलब एक इधर होता है एक इधर होता है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो विस्थापन है वो किस प्रकार से होगा। तो ये अपने निम्न घटकों में बढ़ जाता है और यहाँ पर जो आपका बल होगा वो बल एफ कॉस थीटा में बढ़ जाएगा और जो आपका विस्थापन है वो ये दूरी ही कहलाएगी एस। तो यहाँ पर बल एफ कॉस थीटा गुणा विस्थापन एस, तो इसको इधर ले लिया एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा का मान जीरो रखते हैं, देखिए क्षैतिज पर क्षैतिज अक्ष पर कॉस थीटा बराबर जीरो डिग्री, क्षैतिज अक्ष पर कॉस थीटा बराबर जीरो डिग्री, इसलिए कॉस जीरो बराबर एक, कार्य बराबर एफ डॉट एस या डब्लू बराबर एफ एस। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से दे देते हैं, क्योंकि आपकी दूरी भी सदिश है और आपका बल भी यहाँ पर कैसा है, सदिश, और जब यहाँ पर हम इसमें इसका गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक राशि प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर आपका कार्य जो है एक अदिश राशि है, यहाँ कार्य W एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जब डॉट गुणा किया गया, कॉस आया है इसलिए अदिश है, यदि साइन आता तो ये कैसा होता, सदिश होता, ठीक है। इसके बाद में हम इसको कल समझाएंगे, ये आपको समझ लेना है और आपको ये उतार लेना है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमने आपको समझाया भी है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझाया है, और फिर भी यदि किसी को समझने में परेशानी हो तो कमेंट में लिख करके भेज देना, जिससे कि आपको कुछ जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है, समझ में नहीं आती है, आप उसमें कमेंट में लिख करके भेज देना, जिससे हम आप इसको कल की क्लास में बता सकें। धन्यवाद।